नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एस कैटेगरी पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 में आप लोगों के फॉर्म तेजी से जो है कि वेरीफाई किए जा रहे हैं समाज कल्याण विभाग के द्वारा। तो ऐसे में एक कॉमन सवाल जो कमेंट सेक्शन में मैं देख पा रहा हूँ, जिसमें जैसे फॉर्म वेरीफाई होने के बाद एक आ रहा है छात्रों के दिमाग में कि आखिर पैसे का भुगतान कब होगा, इस बार पैसा कब मिलेगा 23-24 वालों का। जो चैनल को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा हूँ उनको इस बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन, लेकिन अभी आप में से काफी सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं या फिर नए नए जुड़े हैं, तो उनको इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कमेंट करके पूछ रहे हैं कि पैसा कब आएगा। तो यहाँ पर देखो, इस वीडियो के अंदर हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि पैसे का भुगतान आखिर में किसको पहले राउंड में किया जाएगा, किसको सेकेंड राउंड में किया जाएगा, कौन सी डेट होने वाली, डेट भी आपको क्लियर किया जाएगा समाज कल्याण के द्वारा। जो डेट जारी की गई टाइम टेबल ऑफिशियल है उसके हिसाब से आपको बताया जाएगा आखिर में किस तारीख को पैसा दिया जाएगा, क्या लेट होगा, क्या डिले होगा, क्या टाइम पे मिलेगा। उसके अलावा जो स्टेटस है, एक स्टेटस से रिलेटेड बड़ी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, एनएसपी पोर्टल वाला स्टेटस है, उसके जो भी छात्र हैं वीडियो को पूरा जरूर देखना, उनके लिए एक बहुत ही खास अपडेट निकल कर आ रही है, तो वो जरूर आप वीडियो में मिस मत करना, उस चीज़ को जरूर देख लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सही अपडेट पाना चाहते हो यूपी स्कॉलरशिप के, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर पूरी सबसे जेन्यून और सबसे सही अपडेट्स आपको देखने को मिलती है। तो चलिए लाइन से बात करते हैं कि आखिर में क्या है पूरा सिनेरियो। देखो, आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो है कि फॉर्म फरवरी में भी वेरीफाई किए गए समाज कल्याण द्वारा, और काफ़ी लोगों के मार्च में हो रहा है। देखो, जैसे कि ये वाला स्टेटस है, ये कब वेरीफाई हुआ, 5 मार्च को वेरीफाई किया गया है, और वही कुछ लोगों के फरवरी में ही फॉर्म वेरीफाई कर दिया, जैसे इनका देखो तो 17 फरवरी को ही वेरीफाई कर दिया गया। तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि किसका पैसा कब दिया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद आप लोग ये मत सोचना कि सस्पेक्ट वालों का नहीं बताऊंगा, सभी का इसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि किसका पैसा कब आएगा। तो जो सबसे पहला सवाल जो आप लोग पूछ रहे हो कि फरवरी वालों का कब आएगा, मार्च वालों का कब आएगा, देखो इस वीडियो को हम लोग कैसे समझेंगे, इसको हम लोग समझेंगे कैटेगरी वाइज। प्रथम मतलब फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड का सीन ऐसे समझते हैं कि जितने जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी के हैं इसको एक ग्रुप में आप समझ लो, और एससी एसटी के छात्रों को अलग ग्रुप में मान लो। तो हम पहले बात करेंगे जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के छात्रों की, मतलब अगर आप इस वर्ग से आते हो, आप सामान्य वर्ग में आपका जो है कि आप आते हो, सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हो, अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हो, या फिर अल्पसंख्यक वर्ग से बिलोंग करते हो, तो ये हमारा एक ग्रुप होता है, इसको समाज कल्याण ने एक ग्रुप में डिवाइड किया। इनके लिए जो भुगतान किया जाना है वो आपको उनके टाइम टेबल के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखो, इनके लिए जो टाइम टेबल है वो समाज कल्याण जो है कि अलग से जारी किया गया है। देखो, ये टाइम टेबल है जो जनरल ओबीसी के माइनॉरिटी वाले छात्रों के लिए है। देखो, यहाँ पर लिखा भी है कि किस किस वर्ग के लिए है, तो ये है सामान्य वर्ग के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक, जो मैंने अभी आपको बताया जनरल ओबीसी माइनॉरिटी। तो अब बात करते हैं कि जिसका फरवरी में वेरीफाई हुआ और जिसका मार्च में वेरीफाई हुआ है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के लिए इस बार एक ही राउंड में भुगतान पूरा होना है, मतलब इसके लिए कोई सेकेंड राउंड नहीं है जनरल ओबीसी की माइनॉरिटी के लिए, तो एक ही राउंड टोटल है, उसी में जो है कि सबका भुगतान होगा, उनके लिए कोई पहला और दूसरा राउंड नहीं है। तो फर्स्ट राउंड में किसका वेरीफाई, मतलब किसका भुगतान होगा, जितने जनरल ओबीसी माइनॉरिटी और साथ में ही एससी एसटी के जो छात्र हैं जिन्होंने 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन अपना पूरा कर लिया था। 2023 में जिन जिन छात्रों ने आवेदन किया, सिंपल सिंपल आप समझो कि अगर आपने अपना आवेदन 2023 में किया हुआ था तो जो आपको भुगतान होगा वो 22 मार्च तक किया जाएगा। देखो, आप ये टाइम टेबल को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो देखो यहाँ पर सब कुछ लिखा होता है। तो देखो, ऑनलाइन आवेदन 18 जनवरी तक होना था जो कि हुआ होगा। उसके बाद देखो सारा चीज़ आप देखोगे तो पेमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही राउंड डिफाइन किया गया, और यहाँ पर है देखो धनराशि का अंतरण है। अगर इसको आप हिंदी में पढ़ोगे लिखा क्या है कि जनपदीय स्तरीय विभागीय अधिकारी, यानी कि जो समाज कल्याण अधिकारी, इनको हम लोग बोलते हैं DW अधिकारी बोलते हैं, कि डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डेटा के आधार पर सही डेटा वाले, मतलब कि अगर आपके फॉर्म में सब कुछ सही है, आपका फॉर्म में क्या लिखा होगा, वेरीफाई रिकमेंडेड, इस तरह से लिख कर आएगा वेरीफाई रिकमेंडेड डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो इसको बोलते हैं सही डेटा, और यानी कि फाइनल वेरिफिकेशन। तो इस तरह अगर आपका जो है कि लिख कर आ गया होगा तो उन छात्रों को PFMS प्रणाली के माध्यम से जो है कि आपके NPCI से मैप्ड बैंक खाते में धनराशि को जो है अंतरित किया जाना या भेजा जाना, वह होगा 22 मार्च 2024 तक। तो जितने भी जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के छात्र हैं, पहले राउंड वाले नोट कर लें कि फर्स्ट राउंड में किसको मिलेगा पैसा, जनरल ओबीसी माइनॉरिटी, देखो मैं एक बार आपको कंफर्म यहां पर लिख के बता दूं, जनरल ओबीसी माइनॉरिटी, साथ में ही एससी एसटी के वो छात्र जिन्होंने जो है 2023 में आवेदन किया है, तो इन सभी को जो भुगतान होगा वह ऑफिशियल डेट है 22 मार्च 2024 तक। देखो, गवर्नमेंट का काम है, जरूरी नहीं कि 22 मार्च के पहले पहले ही कर दिया जाए, हो सकता है इसमें आप 2-4 दिन का डिले और मान के चलो, तो अल्टीमेट डेट आप अगर मान लो तो मार्च के लास्ट के पहले पहले आपको पैसा मिल जाएगा। पिछली बार भी बहुत छात्रों को 27-28 मार्च को मिला होगा, तो उनको याद होगा कि हाँ लास्ट मार्च में ही मिलता है, तो मार्च के आखिर जाते जाते जो है कि आप लोगों को पैसा मिल जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट राउंड। अब आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि सेकेंड राउंड का क्या है, फरवरी मार्च का क्या सीन था। देखो, ये टाइम टेबल आपने देखा, अभी मैंने आपको समझाया कि इसमें कोई सेकेंड राउंड कोई फर्स्ट राउंड नहीं है, तो एक बड़ा सवाल आप लोग के मन में आ रहा होगा कि फरवरी वेरीफाई हुआ है तो कब आएगा, मार्च में आएगा, ऐसा भी आप
काफी लोगों के मन में होगा। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है आपका फॉर्म फरवरी में वेरीफाई हुआ है, आपका फॉर्म मार्च में वेरीफाई हुआ है, या फिर आपका फॉर्म अभी सस्पेक्ट में है, आपका फॉर्म पेंडिंग है, इससे फर्क नहीं पड़ता। सभी का जो भुगतान होना है वह 22 मार्च 2024 तक ही होना है। मतलब इस बार सिर्फ और सिर्फ एक ही राउंड में भुगतान होगा, सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी के छात्रों का 2 राउंड में भुगतान होना है। उस पर हम लोग उनके टाइम टेबल के थ्रू समझेंगे। तो ये आपका डाउट क्लियर होगा कि फरवरी में वेरीफाई होने से, मार्च में वेरीफाई होने से या फिर सस्पेक्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो डेट है वो एक ही है और वो ये वाली है 22 मार्च तक। लेकिन अभी आपको मैंने बताया गवर्नमेंट का काम है, तो इसमें आप थोड़ा 2-4 दिन का मतलब ऊपर नीचे मान के चल सकते हो, क्योंकि देखो ये टाइम टेबल तो बनाया हुआ है, ये ऑफिशियल टाइम टेबल है जो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। तो आप मार्च एंड मान के चल लेना अपने लिए, मतलब स्कॉलरशिप की अगर आप कोई प्लान कर रहे हो तो मार्च लास्ट मान के चलना कि आखिरी मार्च तक जाते जाते आपको स्कॉलरशिप का पैसा जो है कि मिल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे राउंड में किसको भुगतान होगा। देखो एससी एसटी के वो छात्र, देखो इसमें अगर आप ये टाइम टेबल देखोगे तो ये किसके लिए है, ये एससी एसटी के छात्रों के लिए जारी किया गया टाइम टेबल है। देखो यहाँ लिखा भी है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए जो टाइम टेबल जारी किया गया, तो इन पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर 2 राउंड है। देखो उसी लिए आप थंबनेल में देख रहे हो कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड। देखो ये फर्स्ट राउंड है, तो फर्स्ट राउंड में कौन से छात्र आएंगे अभी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, पर यहाँ पर भी आप देख लो, फर्स्ट राउंड में वो छात्र आएंगे जिन्होंने अपना फॉर्म देखो ऑनलाइन आवेदन 31 दिसंबर तक पूरा किया है, 31 दिसंबर 2023 तक जिन्होंने आवेदन किया हुआ वो सारे आएंगे फर्स्ट राउंड में। ये एससी एसटी की बात हो रही है, तो इनका जो भुगतान होगा वो भी आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट राउंड का भुगतान कब होगा, तो वो होगा 22 मार्च 2024 तक। यहाँ देखिए, तो ये सारे एससी एसटी के छात्र, अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हो तो अपनी डेट आप याद रखो, आपको जो भुगतान होना है वो मार्च के लास्ट तक किया जाएगा फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड में कौन से छात्र आएंगे, अभी आप में से काफ़ी ऐसे छात्र होंगे जिन्होंने 2024 में आवेदन किया है, मतलब 31 दिसंबर 2023 के बाद आपने अपना आवेदन पूरा किया है, तो जो आपको भुगतान होगा, देखो यहाँ लिखा भी है कि ऑनलाइन आवेदन द्वितीय चरण में कौन से आएंगे, सेकेंड राउंड में वो छात्र आएंगे जिन्होंने अपना आवेदन 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च के बीच में किया हुआ है। तो इन लोगों का जो भुगतान होगा वह जून में किया जाएगा। जून में कब किया जाएगा, यहाँ देखिए 28 जून तक किया जाएगा। ये देखिए धनराशि का अंतरण यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो, वही चीज़ लिखी हुई है जो वहाँ पर अभी हमने पढ़ी थी कि जो इनका सही डेटा वाला है उनको जो है पीएफएमएस के थ्रू एनपीसीआई मैप्ड खाते में 28 जून तक भुगतान किया जाएगा। तो ये हो गया आपका ये वाला डाउट जो है जनवरी फरवरी वाला, जो भी आपका डाउट था वो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर एक बार मैं आपको स्टेटस वाइज समझा देता हूँ, चाहे आपका स्टेटस मार्च वेरीफाई हुआ तब भी आपको जो है कि 22 मार्च के बाद पैसा मिलेगा, 22 मार्च तक लिखा हुआ है, लेकिन आप उसमें थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे मान सकते हो, तो मैक्सिमम मार्च लास्ट तक पैसा मिल जाएगा। चाहे आपका फॉर्म फरवरी में वेरीफाई हुआ, जैसे बहुत लोगों का फरवरी में से ही वेरीफाई हो गया, वेरीफाई का मतलब होता है इस तरह से लिख कराना, वेरीफाई रिकमेंडेड वाला, तो ये अगर आपका लिख कर आ गया है तो इसका मतलब ये भी नहीं होता कि फुल गारंटी की आपको स्कॉलरशिप ही मिलेगी, क्योंकि इसको वेरीफाई करने के बाद दोबारा से लोग मेरिट लिस्ट बनाते हैं, उस मेरिट लिस्ट के आधार पर बजट के बेसिस पर जो है कि पैसा दिया जाता है। तो आपका वेरीफाई हो गया तो चांसेस हैं कि पैसा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फुल गारंटी होगी कि पैसा मिल ही जाएगा। मेरिट लिस्ट का भी थोड़ा सा सिनेरियो बनता है, वो जब आपके फॉर्म वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद ये चीजें क्लियर होती है मेरिट क्या होता है। तो ये हो गया ये वाला स्टेटस। तो देखो आप इसके बाद सवाल एक और यहाँ पर हम लोग लेते हैं, जैसे सस्पेक्ट वाले स्टेटस, अभी आप में से बहुत सारे लोगों का स्टेटस मैं जानता हूँ कि वेरीफाई नहीं किया गया, काफ़ी लोगों का चेंज हुआ लेकिन काफ़ी लोगों का अभी भी वेरीफाई नहीं हुआ है, तो उनका सवाल है कि इनका पैसा कब आएगा। देखो इनका पैसा भी सेम आएगा, अभी मैंने आपको रिपीट किया था वहाँ पर टाइम टेबल में दिखाया था कि इस बार सिर्फ और सिर्फ एक ही राउंड है जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी के छात्रों के लिए। तो अगर आप जनरल ओबीसी माइनॉरिटी से आते हो तो चाहे आपका अभी स्टेटस सस्पेक्ट में हो, जैसे इस तरह का स्टेटस हो गया, या फिर आपके स्टेटस में मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच हो, हाई स्कूल बोर्ड डेटा मिसमैच हो, बिलो 50% लिखा हो, डुप्लीकेट इनकम लिखा हो, तो ये सारे क्या है, सस्पेक्ट स्टेटस है। चाहे आपका इस तरह से लिखा हो, तो ये चाहे अभी आपका भले स्टेटस वेरीफाई नहीं हुआ लेकिन भुगतान जो है ना वो सभी का साथ में होगा। तो किसी का अगर पहले वेरीफाई हुआ तो उसका कोई फायदा नहीं है, किसी का अगर अभी वेरीफाई नहीं हुआ तो उसका कोई घाटा नहीं। मतलब आपको बस मैं ये समझाना चाह रहा था कि आप लोग बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी मुझे जो है कि मैसेज आप लोग के आ रहे हैं कि सर अभी मेरा स्टेटस नहीं बदला है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आपका स्टेटस पहले फरवरी में वेरीफाई हुआ है या अभी आपका मार्च में वेरीफाई हुआ है या फिर आपका अभी वेरीफाई नहीं हुआ है, क्योंकि जो भुगतान होना है सबका एक साथ ही होना है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है आपका पहले भुगतान जो है कि वेरीफाई किया गया है या बाद वेरीफाई किया गया है। तो ये आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी, जो भुगतान वाला सिनेरियो था फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड क्या था, किसको कब मिलेगा, सारी मैंने यहां पर क्लियर कर दी। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि जिनका स्टेटस इस तरह से है, वेदर इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड ऑन एनएसपी पोर्टल और नॉट, तो अगर यहाँ तक आप रुक गए हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए होने वाला है, एनएसपी पोर्टल वाला जो इशू है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के लिए जो डेट जो है कि जारी कर दी गई है ऑफिशियल न्यूज में आपको दिखा देता हूँ, हजारों अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति फंसी, देखो 23-24 में कानपुर से न्यूज आ रही, पर ये सबके लिए अप्लीकेबल, चाहे आप कानपुर से हो या नहीं हो। तो इसमें लिखा गया जिनके भी इस तरह से स्टेटस दिखा रहे हैं, कैसे वाले स्टेटस, इस तरह के स्टेटस, वेदर इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड और एनएसपी पोर्टल ऑन, तो इसके लिए एक दिन का टाइम दिया गया, आज भर का टाइम है आप लोगों के पास आपके कॉलेज से कॉन्टैक्ट करने का। देखो लिखा क्या है कि 23-24 में हजारों अल्पसंख्यक छात्रों यानी माइनॉरिटी के छात्रों को ये समस्या आ रही वेदर इंस्टीट्यूट वाली,
तो राज्य पोषित दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिवृत्ति योजना अंतर निजी क्षेत्र के ऐसे शिक्षण संस्थान, मतलब प्राइवेट कॉलेज में अगर आप पढ़ते हुए तो ये दिक्कत आ रही होगी आपको, ऐसे शिक्षण संस्थान जिनके एनएसपी पोर्टल पर पंजीकृत होने या ना होने के संबंध में मार्किंग कार्रवाई अभी तक पूरी नहीं हुई है, उन संस्थानों का डेटा संदेहास्पद श्रेणी में आ गया। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पवन कुमार सिंह ने बताया कि इसका निस्तारण कराने के लिए विद्यालयों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर विद्यालय को पंजीकरण कराया जाना है। मतलब आपके कॉलेज, आपके स्कूल को जो है कि जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। राज्य पोषित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत आवेदन करने वाले निजी क्षेत्र के विद्यालयों के प्राचार्य प्रधानाचार्य 7 मार्च 2024 तक अपने विद्यालय का नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीकरण करा लें, प्रिंट आउट लेकर डीएमओ कार्यालय में जमा करें। तो ये बहुत ही बड़ी जो है कि आप लोग के लिए अपडेट निकल कर आ गई है, तो इसको आपको ध्यान देते हुए जो है कि आपको क्या ध्यान देना है इसमें, आपको कॉलेज को कॉन्टैक्ट करना होगा, कॉलेज तक ये न्यूज़ पहुँचानी होगी ताकि वो लोग ये चीज़ें जो है कि 7 तारीख तक ही अपना कंप्लीट कर लें, क्योंकि इसके लिए जो डेट यहाँ पर लिखी है 7 मार्च लिखी गई है। तो ये मेरा काम था आप तक ये अपडेट पहुँचाना, आपको उम्मीद करता हूँ अगर आपने लास्ट तक देखा हो तो ये अपडेट भी आपको मिल गई होगी जो कि इंपॉर्टेंट थी शेयर करने के लिए। तो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपके जो भी डाउट थे स्कॉलरशिप को लेकर, पैसा कब आएगा, जनवरी वालों का, फरवरी वालों का, मार्च वालों का, सारा मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया, आपको डेट क्लियर हो गई होंगी। और कोई डाउट होंगे तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम, तीनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ में ही कॉमेंट में भी आपको पिन किया हुआ मैसेज मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर भी आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। सो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एस्केट इन्वेशन।